हमारे बीच में लाखन सिंह बोध जी, आप इनकी हालत देखेंगे तो आप देखेंगे ये संघर्ष कैसे कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर टीस है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लाखन सिंह बोध जी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। लाखन सिंह जी, बोध जी, आप इतना पेन ले रहे हैं, इतना दर्द ले रहे हैं समाज का, आप इसको कैसे निभा पाएंगे? जो बहुजन समाज के हम लोग हैं, पूरा बहुजन समाज हमारे साथ है जी। और लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पैर नहीं हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब ने मुझे इतने बड़े पैर दिए हैं कि शायद किसी के पास नहीं, मनुवादियों के पास नहीं है। इसलिए बाबा साहब के जो संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने जो पैदल मार्च किया है, और हमारा मकसद है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और आगे चल के इतना उग्र आंदोलन करेंगे। हम पहले शांति का वातावरण देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, हम आपका सम्मान करते हैं, मगर आपके अंदर जो कोर्ट में जो बैठे हुए जो जातिवादी मानसिकतावादी जो जज हैं, उनने एक पक्षीय फैसला लेकर पूरी समाज को आहत किया है। SC ST एक्ट हमारा एक सुरक्षा कवच है, इससे हमारे लोगों का सम्मान मिलता है, इससे हमारे लोगों पर अत्याचार होना बंद हो जाता है, और जब इसको खत्म कर दिया अब हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हमको सम्मान दिलाने के लिए कानून बनाए थे, और सुप्रीम कोर्ट RSS की सरकार के कहने पर ये सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म करती चली जा रही है, मगर हम किसी भी कीमत पर इस कानून को खत्म नहीं होने देंगे। हम मनुवादी सरकार को मीडिया के माध्यम से अवगत कराना देना चाहते हैं कि आप हमारी शांति से बात मान लें, नहीं तो हम बुद्धवादी हैं, तो हम अहिंसा को अपने हाथ में नहीं लेंगे, मगर फिर भी यदि हमारे लोग उग्र हो गए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम शांति मार्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे। ए समाज के लोगों, अगर आपकी आंखों के अंदर अगर पानी है, जब आपके अधिकार छिन रहे हैं, आप घरों से नहीं निकल रहे, आपको अगर सबक लेना है तो लाखन सिंह बोध से सबक ले लो, जिनके पैर नहीं है, जो चलने फिरने में बड़ी दिक्कत है, लेकिन उन्होंने ये जाहिर किया है कि मेरे पैर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं, क्योंकि मैं जो दिखाना चाहूँगा कैमरा इनसे नोट करूँगा कि एक बार कैमरा घुमाएं, जो युवा साथी इनका साथ देने बड़े पैमाने के अंदर वो इनके दर्द और दुख को देख रहे हैं। लाखन सिंह बोध जी अभी थाने के अंदर आए, आपको क्या, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आपके साथ व्यवहार किया? हमको सुप्रीम कोर्ट से आधा किलोमीटर पहले ही मथुरा रोड पर रोक लिया गया, और हम अकेले, हमको नहीं रोक लिया गया, हमारे पूरे देश से युवा आने वाले थे, रोहतक से भी आने वाले थे, पंजाब से, सारे बॉर्डर पर लोगों को रोक लिया गया, मगर हमको पुलिस ने रोक कर हमारे लोगों को जबरदस्ती जाकर गाड़ियों में ठूस दिया, और हमसे बोला कि आपको संसद मार्ग पर प्रदर्शन करने की परमिशन दी जाती है, मगर लाके थाने में जाकर बैठा दिया। मैं कहना चाहता हूँ मनुवाई सरकार से कि आप जितने भी षड्यंत्र रचोगे, हम फिर प्लान करके आपके पास आएंगे, आपके थानों में, जेलों में कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए हम अपील करना चाहते हैं। लाखन सिंह जी, बहुत पिटे भी आप लोग और धरना प्रदर्शन भी ना करने दें और रोने भी ना दें, कहां की विडंबना है संविधान? ये मनुवादी सरकार है, वो मौलिक अधिकारों को हनन करवा रही है, और मौलिक अधिकारों में एक सिस्टम है कि जनता हम अपनी बात को अच्छे ढंग से कहना चाहती है, मगर ये कहने नहीं दे रहे हैं। लाखन जी, बोध जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बार बार संविधान का नाम ले रहे हैं, कि जिस समाज के अंदर 20 विधायक, 20 MLA, 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर हो जाएंगे तो इस समाज को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन आज तो करोड़ों की तादाद में, और आज संविधान की जो धारा है उनको चेंज किया जा रहा है। मैं जो हमारे 20 डॉक्टर जो हमारे कर्मचारी हैं, बेचारे कर्मचारी ही मूवमेंट चलाते हैं, मैं कर्मचारियों को एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कर्मचारी एक मूवमेंट की सांस होते हैं, और कर्मचारी शासन प्रशासन के नियम में बद्ध होते हैं, वो रोड पर नहीं आ सकते हैं, वो केवल समाज के लिए, कब उनको आरक्षण, वो नौकरी कर रहे हैं, समाज को कुछ ना कुछ देने का काम भी करते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे MLA MP हैं वो वास्तव में ये सरकार के कुत्ते हैं, और कुत्ते हैं, मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि ये जितने भी हैं जो आज संसद में बैठे हुए हैं, इन कुत्तों को इतनी शर्म नहीं है कि आज SC ST एक्ट आरक्षण के बदले आप लोग बैठे हैं, अभी जे इन्हें SC ST एक्ट खत्म किया है, अब जे आके चल के तुम्हारे भी पिछवाड़े पर लात मारने वाले हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म है, यदि आप वास्तव में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, यदि अपने पिताजी के असली खून हैं, तो आप अपनी समाज के लड़ाई के लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए, संसद में हंगामा कीजिए, और हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई माई का लाल, कोई पार्टी का आदमी आपको हरा नहीं सकता, यदि आप समाज की लड़ाई लड़ोगे तो पूरी समाज आपके साथ खड़ी होगी, मगर मैं
भक्तों की इसलिए परवाह करता हूँ कि जब उनके बिना भोग भी नहीं सकते। कमाल की बात है 139 लोग जो 131 लोग हमारे सांसद बैठे हुए हैं, इनकी एक भी टिप्पणी नहीं आई है, किसी भी आदमी की टिप्पणी नहीं भाई आई है। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि आज समाज पर अत्याचार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, आज हमारी समाज के बहुजन समाज के लोग दुखी हैं, आने वाले समय में तुम्हारे भी बच्चे भी दुखी होंगे, क्योंकि तुम एक बार सांसद बन सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बार बार सांसद बन सको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ए मेरे समाज के लोगों, इनको यदि ये बात नहीं मानने हैं तो इनके बंगलों पर धरना स्टार्ट देना स्टार्ट कर दो, इनको निकलना बंद कर दो, और हम भी प्लान कर रहे हैं को बाहर कैसे निकाले, इनको कोरा डालने का भी काम हम करेंगे आने वाले समय में। जय भी नवबुद्धा है। अभी आपको शायद अलग से पुलिस ने उठाया गया था, तो पुलिस ने आपके साथ कैसा रवैया अपनाया गया? जैसा कि हम जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मेरा शुभ नाम मकरंद सिंह बौद्ध है, मैं सम्यक समाज संघ से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभारी हूँ। जैसा कि जब हम सब लोगों को रोका गया और रोकने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये उग्र प्रदर्शन बंद कीजिए, तो हमने कहा कि नहीं, हम ये शांतिपूर्वक मार्च निकाल कर सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो जब इसका हमने विरोध करना शुरू किया तो हमारे लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती बस के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो इतने में 2-3 लोगों ने मुझे धक्का देना चाहा, तो मैंने ये बोला लोगों ने किसने धक्का दिया? पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुझे धक्का दिया। सोलंकी जी हैं, जैसे कि इनके साथ और लोग थे। पुलिस वाले हैं क्या? पुलिस वाले हैं, थानेदार साहब, टीआई साहब, इन्होंने धक्का दिया। तो मैंने ये बोला आप धक्का क्यों दे रहे हो? तो उसके बावजूद भी जब मैं बस के अंदर चढ़ गया तो उन्होंने मुझे फिर से धक्का दिया। तो मैंने बोला आप धक्का क्यों दे रहे हो? तो जब मैंने इनको धक्का वापस करने के लिए बोला तो उन्होंने मेरी सोलंकी जी ने कॉलर पकड़ के खींच कर मुझसे बोला तू ज़्यादा दादा भर रहा, और इन्होंने मुझे पर्सनल वैन में बिठाया, पता नहीं मेरे क्या मारा जिससे मेरी हाथ में चोट आई, और उसके बाद इन्होंने मेरे को पर्सनल वैन में बिठा कर मेरे गालों पर झापड़ मारे, और ये बोला तुझे देखते हम। तब ये फिर यहाँ लाकर इन्होंने हमें सबको, हमारे साथ ये पुलिस प्रशासन ने धोखेबाजी की, क्योंकि इन्होंने ये कहा था, ये जैसा कि देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये देख रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूँ, ये डंडों के निशान हैं, और ये हाथ के अंदर ऐसी क्या चीज मारी है कि जो कि इतना घाव हुआ है। ये पुलिस का ये रवैया है, तो आम लोगों का क्या रवैया होगा? हमसे ये बोला गया कि अगर आपको धरना ही देना है कंटिन्यू, तो हम आपको संसद भवन लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया और वहाँ ना ले जाते हुए हमें यहाँ थाने में संसद भवन मार्ग पर जो थाना वहां लाकर हम सभी लोगों को डाल दिया, और 2-4 घंटे तक हमें रखा गया यहाँ पर। क्या वहाँ आप रखने के बाद में आपकी पानी व्यवस्था क्या किया गया था? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे तैसे हमारे अपने लोगों ने, जैसी कांता बहन जी, इन सब लोगों ने खाने के लिए, नाश्ते वगैरह के लिए मैनेजमेंट किया, तब जाकर। नहीं, थाने की क्या व्यवस्था थी आपके लिए? थाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हम सबको अपमान महसूस हुआ कि संविधान के तहत एक बात है कि अगर जिस आदमी को पकड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था वो, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे एक हमारे साथ हमारी बहन जी थी अर्चना मैडम जी, तो महिला कांस्टेबल वहाँ जरूर थी, लेकिन महिला कांस्टेबल का वहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं था। वो पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा उन्हें भी जबरदस्ती बस में धक्का देकर बिठाया गया। मतलब पुलिस वालों ने, महिला पुलिस ने नहीं, पुलिस वालों ने। मैडम आपका क्या नाम? मेरा गीता गोरिया। गीता गोरिया जी, आप लोग यहाँ थाने के अंदर गए, तो थाने का क्या व्यवस्था रही आपके लिए? कोई व्यवस्था नहीं थी, हम तो आराम से वैसे ही शांतिपूर्वक बैठे हुए थे नीचे ही, कोई हमें पानी पूनी की किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आप यहाँ आए क्यों थे, क्या कारण था यहाँ? हम अपने अधिकारों के लिए आए, जो ST एक्ट जो खत्म कर रहे हैं या उसे जो कमजोर कर रहे हैं, उसको जैसा पहले था ऐसा ही रहना चाहिए, उसको काम वैसे कैसे रखने के लिए आए हम यहाँ पे। मतलब पहले जैसा था वैसे रहना चाहिए। हाँ जी, 1989 के संशोधन हुआ, ये पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हो पाया जब तक, तो ये अरे इसे पहले लागू तो होने दो, अभी तो लागू ही नहीं वैसे से, और उससे पहले ही कमजोर कर रहे हैं। और हमारे जितने MP MLA है वो कोई भी आवाज नहीं उठा रहे। मैं लाखन भाई की लाख लाख इसको बधाई देना चाहूंगी। भाई में इतना जो हौसला है, मैं इसके भाई के हौसले को देखते हुए, जो हमारे 60 करोड़ जनता है, जो हमारे दलित, जिसे दलित बहुजन समाज बोलते हैं, वो 60 करोड़ अगर रोड पे आ जाए तो एक दिन में SC ST कोड एक दिन में, मतलब एक्ट वो हो सकता है, लागू हो सकता है ऐसे कैसे? और इनका जो राष्ट्रपति SC बनाने का यही एक मेन काम था, इन्होंने राष्ट्रपति इसलिए SC दलित बनाया ताकि हम इसमें संविधान में संशोधन कर सके, इसे कमजोर कर सके, इनका मेन यही काम था। मैडम अभी आपने देखा होगा कि एक पद्मावती करके कोई फिल्म, हाँ, सारे लोग रोड पे आ गए थे, लेकिन करोड़ों लोग तो नहीं थे, उनके लाखों लोग रोड पे आ गए थे, लेकिन आज पूरे समाज का आनंद हो रहा है, तो आज सारा बहुजन समाज अभी घरों में है। बहुजन समाज घरों में इसलिए है क्योंकि आज उनका पेट भर खाने को मिल रहा है। 6 करोड़ ठाकुरों ने 125 करोड़130 करोड़ की वाट लगा दी, तो तुम 60 करोड़ हो, तुम रोड
रोड पे क्यों नहीं आ रहे, इनका खून पानी बन चुका है। मैं ये ऐसे भाइयों को ये कहना चाहूंगी, खासकर MP MLA को, कि घरों से बाहर निकलो। जिसके दम पे तुम बैठे हो आरक्षण के दम पे, वो आने वाला टाइम में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दोबारी वही दिन आने वाले हैं, पीछे झाड़ू और आगे हांडी तुम्हारे बनने वाली है अगर तुम नहीं जागे तो। आज की डेट में पीछे झाड़ू आगे हांडी आने वाली है। हमारे बीच में सरदार जी सिंह साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार बलविंदर सिंह है। बलविंदर सिंह जी, आप क्यों आए हो यहाँ, क्या है आपकी मांग? सबसे पहले मैं शेर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज देश की जो न्यायिक प्रणाली है, जिस पर कभी हम विश्वास कर सकते थे, उस पर विश्वास टूट गया, क्योंकि उसने एक समुदाय के ऊपर उत्पीड़न का ऐसा मनुवादी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की है जिसका हमेशा विरोध होना चाहिए। एक एक्ट है SC ST एक्ट, जिसके द्वारा हमारे बच्चे सेफ थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि इन लोगों ने उसे कमज़ोर ऐसा कर दिया कि बिना दांतों का मुंह, जो दांत काट ही नहीं सकते, ऐसे कानून का हम करेंगे क्या? पहले मनुवादी लोगों को एक डर होता था कि अगर हमने किसी दलित व्यक्ति का शोषण किया तो हम उसके ऊपर SC ST एक्ट लग सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो गिरफ्तार भी नहीं होगा, बाहर से बाहर जमानत भी ले सकता है, तो वो शोषण करने से कब घबराएगा? तो इस समय जो लड़ाई है सीधी मनुवाद बरसे अम्बेडकर वाद की है, और इसमें चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसके लिए अगर हमें अपने सिंह जी, आप युवा हैं, आप युवाओं की क्या भागीदारी है कि आप इस एक्ट को आप रुकवा सकते हैं, या क्या होगा आप? सर इसी कहा जाता है कि युवाओं के कंधे पर देश है। युवा ही ने 2 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया, इन्हीं युवाओं ने। हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है, ये नेता जो भड़वे बने हुए हैं, माफी चाहूं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं लेकिन हकीकत बता रहा हूं, जो SC ST के नाम पर चुन के नालायक जाते हैं, लेकिन जब SC ST की बात करने का समय आता है तो नपुंसक बन के मनुवाद की पूंछ पकड़ के हिलाते रहते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए यही युवा सड़कों पे 2 तारीख को उतरेगा और भारत बंद करके दिखाएगा, और साथ में 1 तारीख को इसी संसद भवन पर, संसद मार्ग पर बड़े स्तर पे घेराव भी करेगा। और इसीलिए हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अंबेडकर राइट बहुजन युवा घरों से निकले। ये लड़ाई समाज की ही ना बनकर आपके बच्चों के भविष्य की भी बन चुकी है। आपको आगे आना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए आज दूसरे का घर जल रहा है, कल आपका खुद का घर जलेगा, तब आपके पास ना कोई कानून होगा, ना कोई नेता होगा, ना कोई व्यक्ति होगा। ये कानून कभी भी एक एक्ट की वजह से आपकी मदद कर रहा था, SC ST एक्ट की वजह से जो थोड़ा बहुत केस दर्ज होते थे, लेकिन अगर ये भी समाप्त हो गया तो ये कानून मनुवादी व्यवस्था को चलाते हैं वो कभी लागू होने नहीं देंगे, और हमारे बच्चों का रोज शोषण, सामाजिक शोषण होगा। UNO और NCRB की रिपोर्ट है, हर 12 से 13 मिनट में एक दलित का शोषण होता है, तो अंदाजा लगाइए जिस कानून के डर होने के बावजूद 12 मिनट में एक SC ST का शोषण हो रहा है, जब वो समाप्त हो जाएगा तो उसकी तादाद कितनी बढ़ जाएगी और कितना ज़्यादा समाज हाशिए पर चला जाएगा। समय आ गया है, अपने लठ करो तैयार और इन मनुवादियों को करो सुधार, और खासकर ये जो अपने SC ST से जुड़े चुने हुए MLA और MP हैं, इनका भी बड़े स्तर पे विरोध होना चाहिए। भाई लखन सिंह बोध की एक आवाज पे हम लोग निकले हैं, उम्मीद करते हैं 1 तारीख और 2 तारीख को आप लोग भी अपने घरों से निकलेंगे और बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे आएंगे। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। जय 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 भीम जय।